अलैकुम मोहतरम वालिदैन, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बच्चे सारे मतलब ठीक होंगे खैरियत से। अच्छा, आपको बताते चलूँ, पेरेंट्स के जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं सोशल स्टडीज़ की, हमने क्लास 3 का जो अभी शुरू किया था उसके कुछ आपने वीडियोस लेक्चर्स वगैरह देख लिए। लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बच्चे जो है वो नीट नोटबुक में करेंगे, आई होप कि उन्होंने ली होंगी, और वो उनका क्लास वर्क कंसिडर किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ अपनी निगरानी में बच्चों से ये जो रिटन वर्क है नीट नोटबुक में करवाएं, नीट एंड क्लीन, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो क्लास वर्क है ये बाकायदा चेक किया जाएगा छुट्टियों के बाद, और फिर इन्हीं से इनकी लर्निंग होगी। शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? एज यू नो दैट वी हैव डन लेसन नंबर 1। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेसन, हैव यू रिमेंबर? यस, द अर्थ इन स्पेस। सो हम लोगों ने सारा चैप्टर कर लिया है और आज हम उसका करेंगे जी एक्सरसाइज। ओके, एंड आई विल आस्क यू अबाउट दैट, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें हैं जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, सो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों ने ये काम वर्क पेज, बुक का जो वर्क पेज है जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं, वर्क पेज पे भी करना होगा, और फिर आपने इसको अपनी नीट नोटबुक में एज अ क्लास वर्क भी करना होगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन, जान नहीं छुड़ानी आप लोगों ने, इससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है। सो फर्स्ट टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 6, वर्क पेज 6 पे इस वक्त आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो पार्ट ई है इसमें आप लोगों ने माय ग्लॉसरी है। ठीक है, आप लोगों ने ग्लॉसरी बनानी है। ग्लॉसरी जो है ये आप लोगों ने अपने एक वर्ड्स का डिफरेंट टाइप, मतलब वर्ड्स का लिस्ट की लिस्ट बनानी होती है और उसकी फिर आपने मीनिंग्स लिखनी होती है, राइट? सो यू विल मेक योर ओन ग्लॉसरी। हियर इज द फर्स्ट वन, माय ग्लॉसरी में पहला जो है आप हम इसका पढ़ रहे हैं कि द पार्ट of time on the side of the earth which is facing the sun. तो क्या होता है, what does ई meaning किस को शो कर रहा है? It will be day. Day में क्या होता है कि the part of time, day is the part of time on the side of the earth which is facing the sun. हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि day क्या है, ये वो टाइम है जिसमें ज़मीन का जो पार्ट सन को फेस कर रहा होता है, जो रोशन होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख के डे, स्पेलिंग इज DAY डे। ओके, देन नेक्स्ट है द प्लेनेट वेयर वी लिव, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्लेनेट? यस, गुड, अर्थ। यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या, अर्थ। अर्थ की मीनिंग जब हम सिंपल इसको करें तो कहे द प्लेनेट वेयर वी लिव। ओके, सो यू विल हैव टू राइट हियर अर्थ, EARTH, अर्थ। ओके, थर्ड वन जो आपकी मीनिंग है बन रही है, लाइन आप पढ़े पहले, अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है? यस, मून, द मून। सो यू विल हैव टू राइट हियर इन दिस ब्लैंक, मून, द मून। ओके, देन द फोर्थ वन लाइन मीनिंग जो है इसका बोला है आपके, द पार्ट ऑफ द टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। जो सन से अवे होता है, सन अर्थ का जो पार्ट, तो वहाँ पे क्या होता है? नाइट। तो यहाँ पे आपने ब्लैंक में क्या लिखना है? नाइट, NIGHT, नाइट। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन है आगे लाइन दे पड़े, द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन, क्या आता है यहाँ पे? 365 डेज आर 1 ईयर। ये वो टाइम है कि जिसमें अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट जो है वो चक्कर लगाती है। हम लोगों ने पढ़ा भी 365 डेज और 1 ईयर, कोई भी आप लिख सकते हो इसमें।
ओके ओके स्टूडेंट पार्ट भी चूंकि अभी बुक में ज़्यादा वो क्लियर नहीं हो रहा था तो आई हैव रिटन इट ऑन द व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. पार्ट बी में क्या था कि इसमें आपको मीनिंग्स दिए है प्लैनेट सॉलिड रिफ्लेक्शन एंड सैटेलाइट. इसकी मीनिंग्स आपको कहाँ गया है कि डिक्शनरी में आपने ढूंढने हैं और फिर इसके आगे इसकी मीनिंग जो है वो लिखनी है. आई हैव रिटन फॉर यू ओवर हियर लुक इट. सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ड है वो है planet. Can you see? Planet. So what is planet? You have studied about the planet. So you have learned about this. हम लोगों ने पढ़ा है कि planet क्या चीज है. So इसकी meaning या definition आप कह लें आइए. A planet is a heavenly body that moves round a star. Okay? A planet is a heavenly body that move round a star. Okay? The next meaning, the next word is solid. What? Solid. What is solid? Not liquid or fluid and stable in shape. सॉलिड जो है वो ना लिक्विड होता है ना फ्लूइड होता है बल्कि वो उसकी एक स्टेबल एक फर्म शेप होती है. सो अगेन व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड मीनिंग्स आर ये नॉट लिक्विड आर फ्लूइड एंड स्टेबल इन शेप. ओके द फोर्थ मीनिंग इज रिफ्लेक्शन. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस ना. रिफ्लेक्शन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है ना. यू नो रिफ्लेक्शन व्हाट इज रिफ्लेक्शन? So the meaning of reflection is the throw beam of light from one surface to another surface. Okay, what is reflection? The throw beam of light from one surface to another surface. This is the definition or meaning of the word reflection. Okay, the fourth word is satellite. What? Satellite. Students, you have also studied about the satellite. Yes. What is satellite? So, satellite is an object in space that moves around a planet. What is satellite? It is an object in space that moves around a planet. So, this is all about your part B. Okay. Now, let's come towards part C. ओके स्टूडेंट पार्ट सी में यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स. यू विल हैव टू फिल द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड. ओके फर्स्ट ब्लैंक इज अ डिश इज हाई फ्लैट लैंड. वी हैव स्टडीड व्हाट इज अ हाई एंड फ्लैट लैंड. यस प्लेटिंग. सो यू विल राइट हियर प्लेटू PLATEAU. ओके नेक्स्ट ब्लैंक द एरिया where the land meets the sea at the same level is called the dish. We have studied about this also. Kya tha hai is blank mein? Yes, coast. 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 Kya tha hai is mein? Coast. Okay, the third statement is water surrounded on all sides by a lane is called a dish. Water surrounded. Listen again. The third one. Water surrounded on all sides by land is called a lake. क्या कहते हैं इसको? Lake. L-A-K-E. Lake. Okay. The fourth blank is a small area of land surrounded by water is called what? क्या कहते हैं उसको? Yes, it is an island. I-S-L-A-N-D. The next, the fifth sentence is a sandy place without much water is called a dish. A sandy place without much water is called what? It is called a desert. D-E-S-E-R-T. Okay, student, part D is
true and false. Okay, you will read the sentence and you will mark it as true or false. The first sentence statement is a plane is low flight plane. Is that kya aisa hai na? Is it true or false? Let me know. Raise your hand. Who will tell me? Yes, this is true. Good. So you will write here in this row T means true. Okay. Second statement is dirty water damages plant and animal life. Aisa hi hai na, dirty water se plant and animal damage hote hain. So is it true or false? True. Good. So you will write here T. Okay. Then the third statement is rivers flow from the sea to the land. So student, this statement is true or false? Who will tell me? This statement is false because rivers not flow from the sea. Okay. Then mountains are higher than hills. Is it? ऐसा है ना? Mountains hills से high होते हैं या मतलब height में कम या ज़्यादा होते हैं? Yes, good. This is true. Mountains are higher than hills. So you will have to write here the T. Okay, T. So this is all about your work page. Okay. So student, you will do it not only here in your book, like on page 6 and 7, but आप लोगों ने इसको नीट नोटबुक में भी करना है.